राहुल, बड़े खोए खोए से लग रहे हो। बस यूं ही, शादी के बाद जिम्मेदारियां भी तो बढ़ जाती हैं। थोड़े दिनों के लिए भूल जाओ ना ये जिम्मेदारियां, मेरी बात मानो तो मेरे बाबूजी से थोड़े पैसे ले लो। फिर वही बात, मैं दहेज ले लूं? ये दहेज नहीं है राहुल, तुम कोई डिमांड थोड़ी कर रहे हो, बाबूजी खुशी से दे रहे हैं। मेरा भी कोई स्वाभिमान है निर्मला, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। उन्होंने पहले से ही कितने पैसे खर्च किए हैं, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी के काबिल बनाया, तुम वेलफेयर ऑफिसर और मैं केवल एक मामूली किसान। मेरे बाबूजी भी तो किसान है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। खेती से बड़ा कोई काम नहीं होता राहुल। लेकिन खेती बाड़ी अब इतनी आसान नहीं है, खर्चे बहुत हैं और आमदनी का कोई भरोसा नहीं। बुआई का मौसम आ गया है, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। बाबूजी ने भी तो खेती बाड़ी से ही पैसे कमाए हैं, और फिर तुम्हारे पास तो उनसे ज्यादा जमीन है। लेकिन हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं होती, कोई ना कोई समस्या हो जाती है। बाबूजी को तो कोई समस्या नहीं होती, शायद उनकी जमीन ज्यादा उपजाऊ है। उपजाऊ तो नहीं है, वो उसे उपजाऊ बना देते हैं। अच्छा, तब तो तुम्हारे बाबूजी को गुरु भी बनाना पड़ेगा। तुम्हें तो पता है मेरे सचिन चाचा एग्रीकल्चर में पीएचडी हैं, और जब से उन्हें एक अमेरिकी कंपनी में नौकरी मिली है, उन्होंने ना बाबूजी को ऐसी जानकारी दी है जिससे उनकी आमदनी डबल हो गई है। क्या जानकारी दी है? नई टेक्नोलॉजी बताई है उन्होंने, नए नए जबरदस्त उत्पाद बताए हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी जानना चाहूँगा ये जानकारी, फिर समझूंगा कि मुझे भी असली गुरु मंत्र मिला है। बिल्कुल, सचिन चाचा तुम्हें सब समझा देंगे, वो अमेरिका के एल्बियन कंपनी में टेक्नोलॉजी मैनेजर हैं। अच्छा, तो आज ही मिलते हैं उनसे। बिल्कुल, खाके चलते। हाँ। समस्याएं तो हमें भी बहुत आती थी, कभी पत्ते पीले पड़ जाते थे, कभी मुरझा जाते थे, फलों का आकार बिगड़ जाता था, फल छोटे रह जाते थे। लेकिन जब से सचिन की कंपनी के उत्पाद प्रयोग करने शुरू किए हैं, तब से उपज प्राप्त करना विश्वसनीय हो गया है। आपका विश्वास देखकर तो मुझे भी बहुत उत्सुकता हो रही है। सीधी बात है राहुल, अमेरिका में खेती टेक्नोलॉजी में बहुत रिसर्च हुआ है, और वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बिंदु कीट और बीमारियां ही नहीं, स्वयं पौधे की आंतरिक प्रणाली है। और पिछले चंद सालों में एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, और मैं पूरे जोर से लगा हूँ भारत के किसानों तक यह टेक्नोलॉजी पहुंचाने में। बहुत अच्छे, तो फिर हमें भी बताइए। अमेरिका में वैज्ञानिक खोज द्वारा पौधे की आंतरिक प्रणाली का विश्लेषण हो रहा है कि पौधा महत्वपूर्ण खनिजों और सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण कैसे करता है, पौधे की उपज निर्माण शक्ति का विकास कैसे होता है, यह पौधे के रस में उपस्थित सूक्ष्म तत्वों के संतुलित संचार की टेक्नोलॉजी है। जैसे इंसान के खून में भिन्न भिन्न पोषक तत्व अगर संतुलित रूप से उपस्थित ना हो तो खून में विकृतियां आ जाती हैं, और जैसे मनुष्य के शरीर में आई विकृतियों को डॉक्टर मेडिकल साइंस द्वारा ठीक करता है, वैसे पौधे के रस में पोषक तत्वों के संचार की विकृतियों को एल्बियन की मेटालोसेट टेक्नोलॉजी द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये कहां की टेक्नोलॉजी है? ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी है बालकेम, और बालकेम का ही पौध पोषण संबंधी विभाग है एल्बियन। कृषि की दुनिया में एल्बियन ने एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिसे मेटालोसेट कहते हैं। लेकिन ये काम कैसे करती है? ये तो एक वैज्ञानिक कहानी है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कल तुम हमारी पूरी डिमोंस्ट्रेशन देख लो। मैंने भी देखी है, बहुत बढ़िया समझाते हैं। देखो राहुल, दुनिया भर में औसतन प्रति हेक्टेयर उपज भारत से कहीं ज्यादा है। भारत का किसान भी उतनी मेहनत करता है, लेकिन उसे अपनी मेहनत और लागत का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी सोच क्षमता का प्रयोग नहीं करता, वो पौधे की जरूरतों को ही नहीं समझ पाता। अगर पड़ोसी ने एक बोरी खाद डाली तो वो दो बोरी डालता है, अगर इतने से कीटनाशक से काम हो सकता है तो वो इतना डालता है। लेकिन जैसे मनुष्य के लिए सही और संतुलित आहार महत्वपूर्ण है, वैसे ही पौधे को क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब चाहिए, यह समझना बहुत जरूरी है। और ये टेक्नोलॉजी पौधे की आवश्यकता अनुसार जो भी पोषक तत्व पौधे को जब चाहिए, जहाँ चाहिए, जितना चाहिए, उसे तुरंत वहाँ पहुँचा देती है। कल किसानों के लिए हमारा एक डेमोंस्ट्रेशन साथ वाले गांव में है, तुम भी आ जाओ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। अब तो मुझे भी संतुलित पोषण का गुरु मंत्र चाहिए। मेटालोसेट ही गुरु मंत्र है बेटा। पौधे को भरपूर विकास के लिए 16 से भी अधिक पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधा वातावरण से ग्रहण करता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर
और मैग्नीशियम की पौधे को अधिक मात्रा में जरूरत होती है। कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिबियम और निकिल जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी पौधे के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। बुआई से ही किसान पौधे को एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बड़ी मात्रा में देता है, लेकिन पौधे में बाकी के जरूरी तत्वों की कमियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम, बोरॉन, जिंक इत्यादि। उदाहरण के तौर पर कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण तने में कमजोरी हो जाती, नई पत्तियों और टहनियों का सिरे से काला पड़ जाना पौधे को अस्वस्थ बना देता है, जिसके कारण फूल कम लगते हैं, सुंदर सुडौल फलों का निर्माण नहीं होता, जिसका सीधा असर उपज निर्माण और गुणवत्ता दोनों पर पड़ता है। लेकिन अगर हम पौधे को एनपीके दे सकते हैं तो फिर कैल्शियम, बोरॉन, जिंक इनकी भी अधिक मात्रा दे सकते हैं, फिर इनकी भी कमी नहीं होगी। समस्या पौधों को पोषण देने की नहीं है, समस्या है पौधे के शरीर में कैल्शियम, बोरॉन और जिंक जैसे तत्वों के प्रवाह की धीमी गति, जबकि नाइट्रोजन और इसके कंपाउंड्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पौधे के शरीर में 20 गुना अधिक तेजी से प्रवाह करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कुछ पोषक तत्व तो तेजी से प्रवाह करते हैं और कुछ धीमी गति से। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स स्वयं पौधे की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, उसके सेल्स को बनाते हैं, इसलिए पौधा अमीनो एसिड्स को बड़ी तेजी से ग्रहण करता है। इनके प्रवाह का रास्ता ही अलग होता है, तेज गति वाला फ्लोएम रूट, जबकि कैल्शियम, बोरॉन, जिंक इत्यादि जाइलम के रास्ते प्रवाह करते हैं, जो कि एक धीमी गति वाला रूट है। कैल्शियम, बोरॉन और जिंक इत्यादि की पौधे के महत्वपूर्ण भागों तक पहुंचने में देरी विकास की प्रक्रिया में बाधा डालती और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन अमेरिका की बालकेम कंपनी ने अपनी विश्व स्तरीय उच्च तकनीकी प्रयोगशालाओं में एक अनोखी मेटालोसेट टेक्नोलॉजी की खोज की है। बालकेम के वैज्ञानिकों ने कैल्शियम के अंश को अमीनो एसिड के अंश के साथ जोड़कर एक नया मॉलिक्यूल तैयार किया है, इसे मेटालोसेट कैल्शियम मॉलिक्यूल कहते हैं। धीमी गति से प्रवाह करने वाले अंश को अमीनो एसिड के साथ जोड़ने की इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को वैज्ञानिक दुनिया में बहुत बड़ी खोज माना गया है, क्योंकि अमीनो एसिड द्वारा घिरे हुए मेटालोसेट कैल्शियम को पौधा अमीनो एसिड समझकर तेज गति वाले फ्लोएम रास्ते के द्वार खोल देता है और तेज गति से कैल्शियम भी पौधे को मिलने लगता है। ऐसे ही बोरॉन, जिंक या किसी अन्य सूक्ष्म खनिज को भी अमीनो एसिड के साथ जोड़ा जा सकता है और उसे मेटालोसेट के रूप में पौधे के जरूरी भाग में तेज गति से उपलब्ध कराया जा सकता है। मेटालोसेट टेक्नोलॉजी के उच्च कोटि के उत्पाद अब भारत में इंडोफिल द्वारा मार्केट किए जाते हैं। क्या ये वही इंडोफिल है जिसका M45 आता है? हाँ, बिल्कुल सही। और इंडोफिल इन उत्पादों को ग्रीन एनर्जी, क्रॉप एनर्जी, वाइटल एनर्जी और फ्रूट एनर्जी के रूप में बेचता है। लेकिन ऐसे तो कई उत्पाद मार्केट में उपलब्ध हैं, ये दूसरों से बढ़िया कैसे हैं? इसके बहुत से कारण हैं। गौर से सुनिए। पौधों की पत्तियों का सतह का चार्ज निगेटिव होता है और साधारण छिड़के जाने वाले उत्पाद या तो नेगेटिव चार्ज होते हैं या पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर उत्पाद नेगेटिव चार्ज हो तो पत्तों द्वारा नकारा जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पत्तों की सतह पर चिपक जाता है या बहुत ही धीमी गति से सूखा जाता है, जबकि मेटालोसेट उत्पाद न्यूट्रल चार्ज होते हैं जो छिड़कते ही तुरंत पत्तियों द्वारा सोख लिए जाते हैं। मेटालोसेट मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही बारीक होता है, साधारण उत्पाद का साइज 1000 डाल्टन से 4000 डाल्टन तक का हो सकता है, जबकि मेटालोसेट अंश का साइज केवल 274 डाल्टन होता है, जो कि पत्तियों द्वारा आसानी से सोख लिया जाता है। मेटालोसेट उत्पाद संपूर्ण रूप से घुलनशील है। कॉपर और सल्फर आधारित उत्पादों के अलावा इनको उर्वरकों अथवा दूसरे सभी घुलनशील उत्पादों के साथ मिलाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, जब अमीनो एसिड के अंश को कैल्शियम, बोरॉन या जिंक इत्यादि के साथ जोड़ा जाता है तो मेटालोसेट अंशों का जोड़ बहुत ही उचित होता है, जो पानी में घुलकर नहीं टूटता। लेकिन जैसे ही यह पत्तियों द्वारा सोखा जाता है और तेजी से पौधे की कोशिकाओं में पहुंचता है,
तब कोशिका के अंदर के मेटाबॉलिक दबाव से यह अमीनो एसिड के अंश से अलग हो जाता है और पौधे के जिस भाग में उसकी जरूरत होती है वहां पहुंच जाता है, जबकि मार्केट में मिलने वाले दूसरे उत्पाद ना तो आसानी से पत्तियों में प्रवेश कर सकते हैं और अगर कुछ मात्रा में प्रवेश कर भी लें तो कोशिकाओं में जाकर अमीनो एसिड से अलग नहीं हो पाते, जबकि मेटालोसेट उत्पाद अचूक ढंग से काम करते हैं। मेटालोसेट के अमीनो एसिड को सोयाबीन के प्राकृतिक अमीनो एसिड से लिया गया है, जबकि साधारण उत्पाद सिंथेटिक जोड़ से बनाए जाते हैं जो बहुत कम प्रभावकारी होते हैं। मेटालोसेट टेक्नोलॉजी को ATM भी कहा जाता है। ए, एब्जॉर्प्शन या पत्तियों द्वारा संपूर्ण रूप से सोख लिया जाता है। टी, ट्रांसलोकेशन या तेज गति से पौधे में पहुंचकर अमीनो एसिड के अंश से टूटकर सही स्थान पर पहुंच जाता है। एम, मेटाबोलाइजेशन या पौधे द्वारा सही समय आवश्यकता के सही स्थान पर विकास शक्ति में बदल जाता है, यानी पौधे द्वारा आसानी से हजम कर लिया जाता है। मेटालोसेट अंश प्राकृतिक स्वरूप के बहुत करीब है, इसलिए पौधा इसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। इसलिए इसका सारांश है, न्यूट्रिशन डिलीवर्ड यानी सुनिश्चित और संतुलित पोषण। इंडोफिल के सभी उत्पाद भारतीय फसलों की संपूर्ण विकास रूपरेखा के लिए ही तैयार किए गए हैं। मेटालोसेट उत्पाद पत्तियों पर छिड़काव द्वारा ही अति उपयुक्त हैं। ग्रीन एनर्जी, इसे फसल की प्रारंभिक अवस्था से ही प्रयोग करना चाहिए। ये नाजुक पौधों की जड़ों का विकास कराता है और पौधे को शक्ति देता है। यह फसल को हरा भरा, स्वस्थ और मजबूत बनाता है। क्रॉप एनर्जी, ये मल्टी मिनरल उत्पाद है। यह फसल को तेज गति से सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यह पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता को बढ़ाता है और भरपूर फसल और गुणवत्ता का आधार बनता है। वाइटल एनर्जी, इसको फूल बनने की अवस्था में प्रयोग करना है। यह स्वस्थ फूलों की अधिक संख्या लाता है, पोषण का संतुलन बनाए रखता है, फूल झड़ते नहीं और इन फूलों से स्वस्थ फलों का निर्माण होता है। फ्रूट एनर्जी, इसे फल बनने की अवस्था में प्रयोग करना चाहिए। यह संतुलित मिनरल पोषण को फल निर्माण अवस्था में भी बनाए रखता है। इससे फलों को बीमारियां भी कम लगती हैं। चूंकि यह फलों में कैल्शियम की संतुलित मात्रा बनाए रखता है, जिससे फलों का आकार और गुणवत्ता बढ़ जाती है। मेटालोसेट टेक्नोलॉजी एक वैज्ञानिक और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। यह दुनिया में और किसी के पास नहीं है और भारत में इसे केवल इंडोफिल और इंडोलाइफ द्वारा ही मार्केट किया जाता है। मेटालोसेट उत्पादों के प्रयोग से फलों और सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाने में अधिक समय मिलता है, क्योंकि फलों और सब्जियों में कैल्शियम की जितनी अधिक मात्रा होगी उतनी ही उनकी शेल्फ लाइफ या भंडारण आयु अधिक होगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देवो सर्वकारिणः। क्रॉप एनर्जी शक्तिमं, फ्रूट एनर्जी शक्तिमं, ग्रीन एनर्जी शक्तिमं, वाइटल एनर्जी शक्तिमं। शक्ति शक्ति पौध शक्ति, शक्ति शक्ति भूमि शक्ति, शक्ति शक्ति महाशक्ति स्वाहा। मेटालोसेट की टेक्नोलॉजी अब भारत में आई, बाल कैम अमरीका से इसे इंडोफिल है लाई। पौधे के पोषक तत्वों का एक संतुलन बनाकर फसलों की उपज क्षमता अब इसने और बढ़ाई। ओए गुरु मंत्र भाई गुरु मंत्र, मेटालोसेट का गुरु मंत्र, गुरु मंत्र भाई गुरु मंत्र, मेटालोसेट का गुरु मंत्र। भारत के किसानों अपनी ताकत को बढ़ाओ, दुनिया की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी अजमाओ, जिसने वैज्ञानिक शक्ति से अपनी पहचान बनाई। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी है ये अपनाई। ओए गुरु मंत्र भाई गुरु मंत्र, मेटालोसेट का गुरु मंत्र, गुरु मंत्र भाई गुरु मंत्र, मेटालोसेट का गुरु मंत्र।
मेटालोसेट उत्पादों से फसलें मजबूत बनाओ। जब चाहो जितना चाहो उतना पोषण पहुंचाओ। भरपूर उपज और गुणवत्ता फिर उसने खूब पाई। ये उत्तम टेक्नोलॉजी अब खुशहाली है लाई। ओए गुरु मंत्र भाई गुरु मंत्र, मेटालोसेट का गुरु मंत्र। गुरु मंत्र भाई गुरु मंत्र, मेटालोसेट का गुरु मंत्र। क्रॉप एनर्जी शक्तिमम, फ्रूट एनर्जी शक्तिमम, ग्रीन एनर्जी शक्तिमम, वाइटल एनर्जी शक्तिमम। शक्ति शक्ति पौध शक्ति, शक्ति शक्ति भूमि शक्ति, शक्ति शक्ति महाशक्ति स्वाहा। इंडोफिल का गुरु मंत्र मेटालोसेट टेक्नोलॉजी।